वेलकम गाइस, BinaryTube प्रयागराज में मैं आशीष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन के लेक्चर नंबर 5 में बात करेंगे। कल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था टाइप ऑफ कनेक्शन के सेकंड पार्ट में अदर कनेक्शन पे। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेट की पहचान कैसे की जाती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा जानता है और वो भाषा है 0 और 1 की, जिसको आप कहते हैं बाइनरी डिजिट या मशीन लेवल लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं या बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो कंप्यूटर तो एक दूसरे को पहचान सकता है उसके खुद के एक यूनिक नंबर से, लेकिन फॉर ह्यूमन बीइंग वो नंबर याद रखना इट नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, साथ ही साथ ईजी भी नहीं है। तो उसके लिए कि इंटरनेट की पहचान कैसे की जाए, तो उसी चीज़ को यहाँ पे कैटेगराइज किया है मैंने। आज इंटरनेट को एड्रेसिंग को दो पार्ट में, कि एक ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए कैसे ये इसकी पहचान, ये साइट जो हमने साइट बनाई है, जैसे हम लोग लिखते हैं facebook.com। अब ये facebook.com क्या है, या google.com लिखते हो, या गवर्नमेंट की साइट आपने देखी होगी .gov लिखा रहता है, या आप जो एजुकेशन से रिलेटेड साइटें हैं उसमें edu लिखा रहता है, ये सब क्या है, वो एक इंटरनेट की पहचान है। आज हम लोग यही सीखेंगे कि इंटरनेट एड्रेसिंग में कैसे इंटरनेट की पहचान की जाती है। तो गाइस, इंटरनेट एड्रेसिंग दो तरीके से की जाती है पहचान। पहला है डोमेन नेम। पहले पहचान हम करेंगे डोमेन नेम के द्वारा कि उसका नाम क्या है, और दूसरा एड्रेस पहचानने के तरीका है इंटरनेट को आईपी एड्रेस। इंटरनेट में पहचानने के सिर्फ दो तरीके हैं, पहला है आपका डोमेन नेम और दूसरा है आईपी एड्रेस। अब डोमेन नेम होता क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में एक EMI नंबर होता है, IMI नंबर, वो IMI नंबर आपके सेट की पहचान होती है कि ये नंबर का सेट किस है, यानी ये प्रोडक्ट है इसका IMI नंबर ये है, इससे पहचान। इसी तरह कंप्यूटर में भी एक MAC एड्रेस होता है जिससे पहचान होती है कि सिस्टम का एड्रेस ये है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो जो डोमेन नेम होता है वो इक्विवेलेंट होता है फिजिकल एड्रेस के। जैसे सिस्टम का फिजिकल एड्रेस हमने बताया कि मैक एड्रेस होता है, जो कि सिस्टम का होता है एड्रेस, और ये उसके इक्विवेलेंट होता है डोमेन। ठीक, दूसरी चीज इसमें क्या है कि इसमें दो एलिमेंट होते हैं। इसके पहचानने का सबसे तरीका एक डोमेन नेम क्या होता है, इट टेक टू एलिमेंट, इसके दो एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट होता है कि जो आपने वेबसाइट बनाई हुई है, मान लो एग्जांपल में हम करते हैं कि यहाँ पे facebook.com ये हमारा कोई एक वेबसाइट का नाम है, तो ये जो फेसबुक है ये आपका वेबसाइट का नाम है, और ये जो कॉम है, कॉम एक्सटेंशन होता है। तो जो डोमेन नेम बनता है दो चीज़ों से मिल के बनता है, पहला है आपका वेबसाइट का नाम, जो आप वेबसाइट बनाते हो उस वेबसाइट का नाम रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो आपका एक्सटेंशन होगा। ठीक, जैसे .com, .edu, .gov ये सारे क्या हैं, ये आपके एक्सटेंशन हैं। ठीक, तो आप पहचान हो गई ना कि वेबसाइट जो बनी है वो फेसबुक के नाम से बनी है, एक्सटेंशन इसका कॉम है। अब कॉम क्यों है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कॉम क्यों लगा हुआ है, तो ये किस तरह की वेबसाइट है इसको हम लोग देखेंगे। तो इतना आप जान लीजिए कि ये पहली चीज़ डोमेन नेम क्या होता है, आपका इक्विवेलेंट टू फिजिकल एड्रेस होता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि ये दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो आपका क्या है वेबसाइट नेम और दूसरा आपका क्या है एक्सटेंशन। ठीक गाइस, अब डोमेन नेम को हम लोग और डिफाइन करने के लिए, इसको और समझने के लिए इसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले हमें एक चीज़ और जाननी है, वो चीज़ है DNS।
अधिकांश आता है कि डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर, इसका नाम होता है पूरा डोमेन नेम सर्वर। गाइस आप लोगों ने फोन बुक की डायरेक्टरीज देखी होंगी, फोन बुक देखा होगा जिसमें बहुत सारी नंबर्स पड़े रहते हैं, वो नंबर्स जो होते हैं जो आप छाटते हो, किसी कॉल करना हुआ आपने फोन बुक में देख लिया, इसी तरह डोमेन नेम सर्वर जो होता है, डीएनएस जो होता है, उसमें सारे वेबसाइट की डायरेक्टरीज होती हैं, सारे डोमेन नेम के डायरेक्टरीज होती हैं। ठीक गाइज आप समझ रहे हैं हम कहना क्या चाहते हैं, जिस तरह से आप लोग फोन बुक में फोन देखते हैं ना, फोन नंबर्स देखते हैं, उसी तरह डीएनएस में क्या होता है कि सारे जो डोमेन नेम हैं, सारे वेबसाइट हैं, उनका क्या होता है, पूरे के पूरा एक डायरेक्टरी होती है, एक लिस्ट होता है। जैसे हम किसी की साइट से सर्च कर लेते हैं ना, कुछ भी डालते हैं तो दे देता है, अगर आप अपना नाम भी डालोगे, अगर उस पर भी कोई साइट बनी है तो इसके द्वारा वो आपको दिखती है। तो ये क्या कहते हैं, पहले ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये डायरेक्टरीज होती है आर डोमेन नेम्स की। और दूसरी चीज़ क्या करता है कि ये ट्रांसलेट कर देता है, जो डोमेन नेम जो आपका है वहाँ पे 01 नहीं है बल्कि इस तरह facebook.com है, तो इसको क्या करता है, वो ट्रांसलेट कर देता है आईपी एड्रेस के फॉर्म में। और आईपी एड्रेस हमेशा गाइस वो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो इसके आगे हम लोग समझाएंगे, एक यूनिक नंबर होता है जिसको सिस्टम आसानी से पहचान लेता है। यानी कहने का पूरा मतलब ये है कि जो आपका ये चीज़ होता है डोमेन नेम सर्वर, क्या करता है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, यानी 0 और 1 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो ये होता है आपका डीएनएस सर्वर। अब हम डीएनएस के बाद, डोमेन नेम सर्वर के बाद हम लोग आते हैं टाइप ऑफ डोमेन नेम। अब टाइप ऑफ डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो डोमेन नेम दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका जियोग्राफिकल डोमेन नेम और दूसरा होता है नॉन जियोग्राफिकल डोमेन नेम। ठीक गाइस, आपके दो हैं, जियोग्राफिकल डोमेन नेम और नॉन जियोग्राफिकल डोमेन नेम। तो जियोग्राफिकल डोमेन नेम क्या है कि जब हम कोई नाम किसी भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है, चूंकि जो डोमेन नेम होता है वो सर्वर के थ्रू, सर्वर जो सर्वर के नेविगेशन में काम में आता है, क्योंकि हर कंट्री का अपना एक कोड होता है, जिप कोड होता है, कंट्री का नाम होता है। ठीक, उसी के द्वारा वो जो कनेक्शन हम लेते हैं, सेटेलाइट कनेक्शन, हमने आपको पढ़ाया ना कि अर्थ स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वहाँ पे एरिया वाइज, ठीक, किस स्टेट का है, किस देश का है, कहाँ एग्जैक्ट उसकी लोकेशन है, तो ये सारी चीज़ सेटेलाइट नेविगेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है डोमेन नेम। तो जब हम किसी डोमेन नेम को जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, वो क्या कहलाता है आपका, जियोग्राफिकल डोमेन नेम। ठीक, जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जियोग्राफिकल डोमेन नेम के, का .in लगाया, ये डोमेन नेम है आपका। चलिए गाइस, अगर आपको दिख ना रहा हो तो हम ऊपर लिख देते हैं अभी, यहां पे एक तरफ हम डोमेन नेम लिख रहे हैं और दूसरी तरफ मीनिंग लिख रहे हैं। .in आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा .in लिखा रहता है, .in का मतलब होता है इंडिया। अब इंडिया क्या है, एक देश है, एक भौगोलिक क्षेत्र है, इसलिए हमने .in मतलब इंडिया। .au ऑस्ट्रेलिया,
डॉट पी के पाकिस्तान डॉट सी एच चाइना डॉट जे पी जापान डॉट यू के यूनाइटेड किंगडम इस तरह से जब हम कोई भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से किसी देश स्टेट के नाम से ही रखते हैं, जैसे साइट में आपने देखा होगा कि nbe.edu.up कुछ इस तरह की साइट। कहने का मतलब है कि ये कोई नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की वेबसाइट नेम है जो कि शिक्षा से रिलेटेड है, यानी एजुकेशन से है, और ये कहाँ की है, यूपी की। तो हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं कि ये साइट किस लिए बनी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे इसकी पहचान, तो ये जियोग्राफिकल डोमेन नेम है गाइस। इसमें एक पॉइंट याद रखना कि जियोग्राफिकल डोमेन नेम टॉप लेवल डोमेन नेम होता है, ठीक। ये कौन सा डोमेन नेम होता है, टॉप लेवल डोमेन नेम होता है। तो ये जानते रहिएगा आप लोग कि ये टॉप लेवल डोमेन नेम है। यहां पे अब हम लोग बढ़ते हैं किस पे, नॉन जियोग्राफिकल डोमेन नेम। अब नॉन जियोग्राफिकल डोमेन नेम क्या होता है, जब हम अपने डोमेन नेम को, अपने वेबसाइट के नाम को या डोमेन नेम किसी पर्टिकुलर कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या अदर उस पर जिसमें कोई भौगोलिक क्षेत्र ना हो, उसके हिसाब से अगर हम कोई डोमेन नेम डिसाइड करते हैं, कोई नाम डिसाइड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, नॉन जियोग्राफिकल डोमेन नेम कहलाता है, ठीक गाइस। नॉन जियोग्राफिकल डोमेन नेम एक फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कुछ जैसे डॉट कॉम एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, डॉट कॉम। डॉट कॉम का मतलब होता है कि ये कॉमर्शियल पर्पज से यूज किया हुआ डोमेन नेम है। हमने यहाँ पे लिखा था ना facebook.com जो है आपका, ये कॉमर्शियल पर्पज से बना हुआ था। अब अगर आप फेसबुक को जानना चाहते हैं तो एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। जो जुकरबर्ग था वो बहुत बड़ा हैकर था, जिसने एक रात में ही नशे में पूरे क्या यूनिवर्सिटी का नाम है, नाम तो याद नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी के कनेक्शन को ही क्रैश कर दिया था। और उसी समय इसने फेसबुक बनाया था, तो facebook.com तो उन्होंने कॉमर्शियल पर्पज से यूज किया हुआ डोमेन नेम बनाया, ठीक है। तो ये कॉमर्शियल पर्पज। अब हम लोग देखते हैं .org, ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संस्था। अब ये कॉमर्शियल आप इंडिया में भी हो सकता है, कॉमर्शियल आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका पाकिस्तान में भी हो सकता है, हर देश में होता है, लेकिन यहां से कोई डिफाइन नहीं हो रहा है कि किस देश का है, इसीलिए इसके आगे लगाते हैं .org.in, मतलब इंडिया की कोई संस्थान है। तो जब हम लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी नाम, कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से या फर्म से कोई नाम डिसाइड करते हैं, तो वो नॉन जियोग्राफिकल होता है। अब कुछ एग्जांपल और हैं, जैसे डॉट मिल, ये मिलिट्री के लिए होता है। डॉट नेट अदर नेटवर्क के लिए होता है। तो ये सारे एग्जांपल आप किसके हैं, नॉन जियोग्राफिकल डोमेन नेम, ठीक है। तो अब पहचान करने का पहला जो तरीका था उसको हम लोगों ने सीख लिया। लास्ट में एक बार ओवरव्यू आप लोग देख लीजिए कि जो इंटरनेट की एड्रेसिंग होती है वो दो तरीके की होती है, डोमेन नेम होता है और दूसरा आईपी एड्रेस होता है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में बात करेंगे डोमेन नेम पे ही,
तो डोमेन नेम हमने बता दिया कि एक फिजिकल है, फिजिकल एड्रेस होता है, इक्विवेलेंट फिजिकल एड्रेस। दूसरी चीज़, इसे दो चीज़ों से मिलके बना होता है, फेज वेबसाइट नाम, वेबसाइट के नाम से और एक्सटेंशन। ठीक, तो ये सारे सब एक्सटेंशन लास्ट में लगाए जाते हैं, तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। फिर टाइप ऑफ डोमेन नेम आपसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जियोग्राफिकल डोमेन नेम और नॉन जियोग्राफिकल डोमेन। गाइस, आपसे ओ लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन द डोमेन नेम सिस्टम, तो वो होता है आपका डीएनएस सर्वर या डीएनएस होता है, तो आपको लिखना होगा डोमेन नेम के बारे में एंड टाइप ऑफ डोमेन नेम। ठीक, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है या आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज डोमेन नेम एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डोमेन नेम। ठीक, बाकी आपके एक नंबर से क्वेश्चन से आपसे पूछ सकता है कि विच इज द नॉन जियोग्राफिकल डोमेन नेम या नॉन जियोग्राफिकल डोमेन नेम या जियोग्राफिकल डोमेन, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है। कुछ डोमेन नेम के नाम देगा और वो अगर आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा नॉन जियोग्राफिकल है और कौन सा जियोग्राफिकल है, तो आराम से आप उसको कर सकते हैं। बस बसरते आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम किसी भौगोलिक क्षेत्र को लेंगे तो वो आपका कहलाएगा जियोग्राफिकल डोमेन नेम, और जब हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फर्म या कंपनी के उस पर लेंगे तो वो कहलाएगा आपका नॉन जियोग्राफिकल नेम। तो गाइस, आज हम लोग सिर्फ यहीं तक रखते हैं, कल नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आईपी एड्रेस देखेंगे कि अब आईपी एड्रेस के द्वारा कैसे पहचान होती है। थैंक यू गाइज़।